हेलो एवरीवन, वेलकम टू StudyIQ। सो इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट के बारे में। देखिए, इस डिजीज़ को बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट इसलिए कहा जाता है, पहली चीज़ तो ये कॉज बैक्टीरिया की वजह से होता है और ये जो है लीफ को अफेक्ट करता है, इसलिए इसका नाम बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट है। ये जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, इन द सेंस अगर देखा जाए तो UPSC का जो मेंस का जो सिलेबस है हमारा, अगर हम GS3 को देखें, GS3 में एग्रीकल्चर जो सेक्शन है उसे कई सारे क्वेश्चंस मेंस में पूछे गए हैं। अगर आप पिछले साल का पेपर देखें तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे एग्रीकल्चर से, और वो जो क्वेश्चन थे वो काफ़ी टेक्निकल थे, इन द सेंस बहुत ही, अगर आपको टेक्निकल नॉलेज नहीं है, जैसे कुछ ऐसे एस्पेक्ट क्रॉपिंग पैटर्न और कुछ जो टेक्निकल टर्म्स हैं उनका अगर आपको नहीं पता है तो आप आंसर अच्छा नहीं लिख सकते हो। सिमिलरली ये पॉसिबिलिटी है कि एग्रीकल्चर के अंदर जो है ये जो डिजीजेज हैं, कुछ जो डिजीजेज हैं जो कि न्यूज़ में है, तो ये पूछे जा सकते हैं, इसलिए टॉपिक को कवर किया जा रहा है। दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज सौरभ पांडे। देखिए, जो टॉपिक है इसमें पहले तो हम डिजीज के बारे में जानेंगे, किस तरीके से स्प्रेड हो रहा है उसके बारे में हम जानेंगे, क्या फेवरेबल कंडीशंस हैं जो कि इस डिजीज को स्प्रेड करने में हेल्प करती है उसके बारे में हम जानेंगे, और फिर किस तरीके से इस डिजीज को मैनेज किया जा सकता है उसके बारे में हम जानेंगे। यूपीएससी से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मेरा फेसबुक पेज विजिट कर सकते हैं, माई आई डी सौरभ पांडे 009। हमारे पेन ड्राइव कोर्सेज अवेलेबल हैं सारे एग्जाम्स के लिए, SSC हो गया, बैंक हो गया, UPSC हो गया, NABARD एग्जाम हो गया, स्टेट PSC कोर्सेज हो गए, UGC नेट कोर्सेज हो गए। आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं या फिर studyiq.com वेबसाइट विजिट कर सकते हैं और इन कोर्सेज के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो चलिए पहले देखते हैं कि जो राइस ग्रोइंग एरिया है इंडिया के, जैसे मेनली अगर देखा जाए तो इन रीजन्स में जो है राइस ग्रो कर देगा, आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, पंजाब, हरियाणा, इन सारे रीजन्स में जो है राइस ग्रो करती है। और अगर देखिए, अगर इस तरह की कोई भी डिजीज़ जैसे कि बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट जैसा अगर कोई डिजीज़ जो है अगर वो स्प्रेड होता है तो इससे क्या होगा कि जो प्रोडक्टिविटी है राइस की वो रिड्यूस होगी। सो इसलिए बहुत ये इम्पॉर्टेंट है कि अगर ये डिजीज़ स्प्रेड होती है तो इसके स्प्रेड को रोका जाए, क्योंकि अगर हमने इसके स्प्रेड को नहीं रोका तो किसी न किसी तरीके से हमारी फूड सिक्योरिटी जो है उसको भी अफेक्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आंध्र प्रदेश में एक वैरायटी है राइस की, जो वैरायटी है जिसको कहा जाता है सांभा मसूरी। अब ये जो वैरायटी है ये बेसिकली इन्फेक्ट हो रही है इस डिजीज़ से, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट की ये जो डिजीज़ है, और इस वजह से जो प्रोडक्टिविटी है वो बेसिकली रिड्यूस हो रही है बाय 50%, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप 100 kg एक्सपेक्ट कर रहे हो और सिर्फ 50 kg अगर किसी फार्मर को मिल रहा है तो ये सही नहीं है। देखिए, पहले ही जो है फार्मर की इनकम वो कम है, और अगर ऐसी डिजीज़ स्प्रेड हो रही है तो इससे क्या होगा कि फार्मर्स पर और भी ज़्यादा बर्डन आएगा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली चीज़ कि जो फार्मर्स हैं उनके लिए, और दूसरा जो है हमारा फूड सिक्योरिटी है उनके लिए, कि ऐसी डिजीज़ के स्प्रेड को रोका जाए। देखिए, ये जो है नॉर्मल प्लांट है राइस का, इसमें ये जो है ये राइस है और ये जो है राइस की लीफ है। तो जब ये डिजीज़ होता है बैक्टीरियल जो लीफ ब्लाइट है, तो इससे क्या होता है कि जो लीव्स हैं राइस की वो ड्राई हो जाती हैं इस तरीके से, और फिर धीरे धीरे जो ये प्लांट है वो डाई कर जाता है। सो अगर ये प्लांट डाई कर जाएगा तो अगेन जो है प्रोडक्टिविटी जो होगी एग्रीकल्चर, ओवरऑल जो राइस की प्रोडक्टिविटी होगी वो रिड्यूस होगी। आप देख सकते हैं कि राइस को इस तरीके से ट्रांसप्लांट किया जाता है। ये जो राइस है, राइस को जब ट्रांसप्लांट किया जाता है तो वाटर जो है, वाटर की अवेलेबिलिटी भी सॉइल में काफ़ी ज़्यादा रहता है। सो अगर मान लीजिए कि किसी भी प्लांट में अगर वो डिजीज़ प्रेजेंट है, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट डिजीज़ प्रेजेंट है, इसका मतलब उसमें क्या है, बैक्टीरिया जो है वो प्रेजेंट है, तो उससे क्या होगा कि इस वाटर के थ्रू जो है पहुँच सकता है, दूसरे प्लांट्स में स्प्रेड हो सकता है ये डिजीज़, और विंड्स भी जो हैं वो भी हेल्प करेंगी जिससे कि डिजीज़ जो है दूसरी जगह तक स्प्रेड हो जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्टडी करना कि आप किस तरीके से इरिगेशन कर रहे हो, कि कितना अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो सप्लाई किया जा रहा है, किस तरीके से आप फर्टिलाइज़र का यूज़ कर रहे हो। तो ये सारे फैक्टर्स अगर सही से होते हैं कि आप प्रॉपर इरिगेशन कर रहे हो, प्रॉपर जो सीड आप यूज़ कर रहे हो प्लांट की, जो प्रॉपर वैरायटी यूज़ कर रहे हो जो कि रेजिस्टेंट है ऐसे डिजीज़ से, सो ये पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है कि ये ऐसे डिजीज़ कॉज हों। देखिए, कुछ टर्म्स हैं जिनको हमको समझना है इस डिजीज़ के बारे में जानने से पहले। पहला जो टर्म है वो है हाइडाथोट्स,
ठीक है। हाइड्रा थ्रोट्स क्या हो गया कि आप मानिए कि जैसे मान लीजिए जो लीव्स होती हैं, लीव्स में एक छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं हाइड्रा थ्रोट्स। तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं, ये बैक्टीरिया इस हाइड्रा थ्रोट्स के थ्रू इस लीफ में चले जाते हैं, ठीक है। एक होता है स्टोमेटा, स्टोमेटा दूसरी चीज़ है, और ये जो हाइड्रा थ्रोट्स हैं ये दूसरी चीज़ हैं। क्योंकि देखिए स्टोमेटा के थ्रू वाटर जैसे मान लीजिए रिलीज होता है, तो वो जो है वेपर के फॉर्म में रिलीज होता है, और ये जो हाइड्रा थ्रोट्स होते हैं इनसे वाटर रिलीज होता है लिक्विड के फॉर्म में, और इसको हम बोलते हैं ग्यूटेशन। वहीं स्टोमेटा में जो वाटर वेपर के थ्रू जो वाटर रिलीज होता है उसको हम बोलते हैं जो है ट्रांसपीरेशन, ठीक है। तो दोनों ही चीज़ें अलग है। ये देख सकते हैं ये छोटे जो पोर्स होते हैं इनको बोलते हैं स्टोमेटा, ठीक है। ये स्टोमेटा जो कि अगेन एक्सचेंज ऑफ गैसेस में भी काफ़ी हेल्प करेगा, जैसे CO2 को इनहेल करना और ऑक्सीजन को रिलीज करना, तो उसमें स्टोमेटा का रोल है। उसमें ये जो हाइड्रोथ्रोट्स हैं इनका इतना रोल नहीं होता है। हाइड्रोथ्रोट्स में बेसिकली जो वाटर है वो रिलीज होता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो डिजीज़ है ये स्टोमेटा के थ्रू मतलब स्प्रेड नहीं होगा, मतलब जो बैक्टीरिया है ये स्टोमेटा के थ्रू एंटर नहीं करेगा, रादर किससे थ्रू एंटर करेगा, हाइड्रोथ्रोट्स जो हैं, हाइड्रोथ्रोट्स के थ्रू जो है ये बैक्टीरिया राइस के प्लांट में एंटर करेगा। अब एक बार जब इस प्लांट में ये एंटर कर गया तो फिर ये बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करेगा, फिर मल्टीप्लाई करने के बाद उस प्लांट को इफेक्ट करेगा, फिर ये प्लांट जब इन्फेक्टेड हो जाएगा तो फिर वाया मान लीजिए वाटर है या फिर विंड है या दूसरे जो फैक्टर्स हैं जिससे कि ये जो इन्फेक्टेड प्लांट है ये दूसरी जगह रीच हो सकता है, सो उसके थ्रू दूसरे प्लांट्स में भी ये स्प्रेड होगा। ऐसे ऐसे करके पूरी फील्ड जो है वो इफेक्ट हो रही है। जो सांभा मसूरी जो अगेन जो राइस वैरायटी है आंध्र प्रदेश में जो ग्रो कर रही है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रही है, और इस वजह से 50% तक जो है यील्ड रिड्यूस हो रही है ड्यू टू दिस डिजीज़ जिसका नाम है बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, जो कि एक बहुत मैटर ऑफ कंसर्न है। क्योंकि जो राइस है, अगर राइस की इतनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी रिड्यूस हो गई तो हमारी फूड सिक्योरिटी को क्या होगा, यह हमें सोचना है। क्योंकि मान लीजिए कि प्रोडक्टिविटी अगर रिड्यूस होती है तो जो अवेलेबिलिटी है राइस की मार्केट में वो रिड्यूस होगी, और हमारी कंट्री में बहुत सारे ऐसे लोग हैं अगर प्राइस राइज होता है ऐसे फूड ग्रेन्स का तो क्या होगा कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते। सो अगेन जो है इस वजह से हमारी फूड सिक्योरिटी जो है वो अफेक्ट होगी। तो देखिए दूसरा जो टर्म हमें समझना है वो है विल्टिंग, WILTING विल्टिंग। विल्टिंग का क्या मतलब हुआ कि आप ये मानिए कि जो वाटर की अवेलेबिलिटी है, जो भी ये प्लांट के सेल्स होते हैं उसमें जो वाटर की अवेलेबिलिटी है वो काफ़ी कम हो जाएगी। अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो अगेन जो प्लांट है वो डाई कर जाएगा, ठीक है, सूख जाएगा वो प्लांट। तो ये विल्टिंग भी हमें समझनी है, क्योंकि विल्टिंग भी एक सिम्टम है इस डिजीज़ का। ये जो डिजीज़ है बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट पहली बार जो ऑब्जर्व की गई थी जापान में 1884 में, और इस वजह से जैसे हमने डिस्कस किया कि यील्ड का लॉस काफ़ी ज़्यादा होगा, 50% तक हो सकता है, इवन 60% तक हो सकता है। आंध्र प्रदेश में अगर देखा जाए तो जैसे ये तेचुंग नेटिव वन वैरायटी और सांभा मसूरी, ये दोनों ही जो वैरायटीज़ हैं ये बेसिकली इनका जो यील्ड है काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो रहा है इस डिजीज़ की वजह से। ये जो डिजीज़ स्प्रेड होता है बैक्टीरिया के द्वारा, उस बैक्टीरिया का नाम है जेंथोमोनास ऑरेजाए, ठीक है, जेंथोमोनास ऑरेजाए। ये बैक्टीरिया अगर जो हाइड्रोथ्रोट्स है उसके थ्रू जब राइस के प्लांट में एंटर किया फिर क्या होगा, वो मल्टीप्लाई करेगा उसमें, और फिर अगेन इस बैक्टीरिया के प्रेजेंस की वजह से कई सारे चीज़ें विजिबल होंगी, जैसे विल्टिंग, जैसे अभी हमने डिस्कस किया विल्टिंग होगा, मतलब जो प्लांट है वो सूखेगा, उसकी जो लीव्स है वो सूख जाएंगी, ठीक है, फिर अगेन इससे जो बाद में क्या होगा, प्लांट डाई कर जाएगा। अभी जो बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया के ग्रोथ के लिए आपको एक टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट होता है। जैसे मान लीजिए अगर देखा जाए तो 25 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर जो है ये फेवरेबल होता है इस बैक्टीरिया के लिए। सो इसलिए क्या है कि ट्रॉपिकल कंट्रीज़ जो हैं वो ज़्यादा वल्नरेबल हैं इस डिजीज़ के लिए, अगर हम कंपेयर करें टेम्परेट कंट्रीज़ से। सो अगेन जैसे हमने डिस्कस किया कि हाइड्रोथ्रोट्स के थ्रू जो है ये स्प्रेड करेगा, या फिर मान लीजिए जो रूट और लीव्स में जो इंजरीज हैं उसके थ्रू ये बैक्टीरिया प्लांट में एंटर करेगा, ये हमें ध्यान रखना है, स्टोमेटा के थ्रू एंटर नहीं करेगा। रेन वाटर के थ्रू जो ये स्प्रेड करेगा, या फिर मान लीजिए कोई जो स्टबल्स हैं, जैसे ये स्टबल्स हैं ये जो बाद में जो रेसिड्यू क्रॉप रेसिड्यू बचते हैं, और इनमें से कोई जो प्लांट है वो इन्फेक्टेड है इस डिजीज़ से, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट से अफेक्टेड है, और आपने नई क्रॉपिंग कर दी यहाँ पे, नई जो प्लांट की शोविंग कर दी यहाँ पे, तो फिर क्या होगा, वो जो नए प्लांट हैं उन पे भी ये डिजीज़ स्प्रेड हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि जो प्लांट स्टबल्स हैं उनको पूरी तरीके से रिमूव किया जाए, या फिर ये सॉइल है, सॉइल में भी प्रेजेंट हो सकता है, मतलब ये सॉइल है और वहाँ क्रॉप रेसिड्यू है, ठीक है, आपने स्टबल तो निकाल दिया लेकिन क्रॉप रेसिड्यू कुछ बचा हुआ है और उसमें ये डिजीज़ प्रेजेंट है या बैक्टीरिया प्रेजेंट है, तो अगर आपने फिर जो है कोई शोविंग
ब्रीदिंग की तो फिर अगेन उसमें जो है ये डिजीज स्प्रेड हो जाएगा। दूसरी चीज ये है कि ये जो बैक्टीरिया है ये दूसरे कोलेट्रल होस्ट के थ्रू भी स्प्रेड होगा। देखिए कोलेट्रल होस्ट का क्या मतलब हुआ कि जैसे मान लीजिए कि ये आप ग्रो कर रहे हो, ये राइस है और दूसरी कोई वैरायटी है ना, जैसे कोई वीड है जो अनडिजायरेबल वैरायटी वहाँ प्रेजेंट है, वो बेसिकली एक्ट कर रही है एज अ होस्ट उस डिजीज़ के लिए या उस बैक्टीरिया के लिए, तो हम उसको बोलेंगे कोलेट्रल होस्ट। तो वो किसी दूसरे कोलेट्रल होस्ट किसी दूसरे प्लांट में, मतलब राइस में नहीं किसी दूसरे प्लांट में जो है ये कोलेट्रल होस्ट की तरह एक्ट जो कर रहा है उसमें ये बैक्टीरिया प्रेजेंट होगा और बाद में क्या है कि दूसरे जो मेन हमारा प्लांट है मतलब राइस में जो है ये स्प्रेड हो जाएगा। तो किस किस वजह से स्प्रेड हो रहा है, मतलब सॉइल की वजह से स्प्रेड हो रहा है, स्टबल्स की वजह से स्प्रेड हो रहा है, जो डेब्रिस है उसके वजह से स्प्रेड हो रहा है और ये जो कोलेट्रल होस्ट है इनके थ्रू स्प्रेड हो रहा है। अगर हम देखें कि क्या जो फेवरेबल कंडीशंस हैं, तो अगर हैवी रेन हो रही है तो अगेन फ्लडिंग होगी, तो इस वजह से क्या है कि ईजिली जो है बैक्टीरिया एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक पहुंच सकता है, स्प्रेड हो सकता है। इरिगेशन अगर आप मान लीजिए फ्लड इरिगेशन कर रहे हो तो सेम चीज़ होगी कि अगर वाटर बहुत ज़्यादा है और फिर अगेन वो फैसिलिटेट करेगा कि एक जो बैक्टीरिया है वो एक एरिया से दूसरी जगह स्प्रेड हो जाए। अगर विंड बहुत ज़्यादा ब्लो कर रही है, सीवियर विंड है, तो भी ये फैसिलिटेट करेगा जो ट्रांसफ़र है इस डिजीज़ का दूसरे प्लांट्स में। अगर टेम्परेचर 25 से 30 डिग्री सेल्सियस ऐसा टेम्परेचर तो बहुत अच्छा फेवरेबल कंडीशन होती है इस डिजीज़ के स्प्रेड में जो बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट है। दूसरा ये है कि आप मान लीजिए एक्सेसिव यूज़ ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर कर रहे हो तो वो भी एक फेवरेबल कंडीशन हो जाती है। अब देखते हैं कि किस तरीके से आप मैनेज करोगे इस डिजीज़ को, क्योंकि मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमने इसको मैनेज नहीं किया, जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि राइस की प्रोडक्टिविटी काफ़ी रिड्यूस हो जाएगी, अगर राइस की प्रोडक्टिविटी रिड्यूस हो रही है तो हमारी कंट्री की फूड सिक्योरिटी भी अफेक्ट होगी। तो चलिए देखते हैं कि क्या मैनेजमेंट के लिए आप स्टेप्स ले सकते हो। पहली चीज़ तो हमें जो है रेजिस्टेंट वैरायटी यूज़ करनी है, जैसे बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके जो है हम ऐसी रेजिस्टेंट वैरायटी डेवलप कर सकते हैं जो कि रेजिस्टेंट होंगी ऐसे डिजीज़ से, मतलब ये जो बैक्टीरिया है ऐसे प्लांट्स को अफेक्ट नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल स्वर्ण एक वैरायटी है, MTU992 जो एक वैरायटी है, IR20 जो है एक वैरायटी, IR42 वैरायटी, IR50 एक वैरायटी है, या अलग अलग वैरायटीज़ हैं राइस की जो कि रेजिस्टेंट हैं ऐसे डिजीज़ से। दूसरा क्या है कि जो स्टबल्स बचते हैं उनको आप पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दो। अगर नहीं हुआ तो क्या होगा कि अगर कुछ प्लांट्स ऐसे रह गए हैं जिन पर जो है डिजीज़ प्रेजेंट है या फिर ये बैक्टीरिया प्रेजेंट है, तो जो नया आप प्लांट लगाओगे तो उसमें भी वो डिजीज़ स्प्रेड हो सकते हैं। नाइट्रोजिनस फर्टिलाइज़र का भी हमें जुडिशियस यूज़ करना है, ऐसा नहीं कि अगर नाइट्रोजिनस फर्टिलाइज़र मिला तो पूरा ही यूज़ कर लेना है ये सोच के कि ठीक है कि प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो फार्मर्स हैं उनके बीच में अवेयरनेस जनरेट करें, क्योंकि अगर ये बहुत ज़्यादा नाइट्रोजिनस फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे तो ये भी फिर क्या होगा कि ऐसे डिजीज़ बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट टाइप जो डिजीज़ है वो स्प्रेड हो सकते हैं। फ्लडिंग कंडीशन जो है हमको अवॉइड करना है, क्योंकि ये जो फ्लडिंग कंडीशन होती है, जैसे मान लीजिए पूरा जो फील्ड एरिया है उसको आपने फ्लड कर दिया, तो ये बहुत एक सूटेबल कंडीशन प्रोवाइड करती है जिससे कि जो ये बैक्टीरिया है एक एरिया से दूसरे एरिया तक पहुंच सकता है या ट्रांसफ़र हो सकता है ये इस वाटर के थ्रू, या फिर विंड अगर बहुत ज़्यादा ब्लो कर रही है तब भी ये ट्रांसफ़र हो सकता है। दूसरा क्या है कि हमें जो ये वीड होस्ट हैं जो कि कोलेट्रल होस्ट की तरह एक्ट कर रहे हैं उनको पूरे तरीके से रिमूव या डिस्ट्रॉय करना चाहिए। अगर हमने इसको रिमूव या डिस्ट्रॉय कर दिया तो एक पॉसिबिलिटी कम हो जाती है कि ये डिजीज़ स्प्रेड हो सके। सो इस वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया जो बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट जो ये डिजीज़ है इसके बारे में। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।